स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गंगवा इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। मैं संजीव वर्मा, अभ्यास 170 प्लस बैच के आज हम लोग लेक्चर 6 पे पहुंच गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइन प्लेन मिरर्स। अगर दो मिरर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंक्लाइन रखे हुए हैं तो उनकी इमेजेस कैसे बनेंगी वो हमें देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट ये लगभग वैसे मिलता जुलता है जैसा हम लोगों ने प्लेन मिरर्स के केस में देखा था। इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट लगभग ये उससे मिलता जुलता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आपको ये एक ऑब्जेक्ट, दो मिरर्स रखे हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा है। जैसा कि यहाँ पर दो आपको ऑब्जेक्ट रखे हुए दिख रहे हैं, ये दो मिरर्स हैं M1 और M2, दो मिरर्स दिख रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इस लाइन पर रखा, येलो कलर की आपको ये लाइन दिख रही है। इस लाइन पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर M1 से 20 डिग्री के एंगल पर है और मिरर M2 से 30 डिग्री के एंगल पर है। ये एंगल्स आपको दिखाए गए हैं और अब आपसे पूछा जा रहा है कि M1 और M2 से बनने वाले इमेजेस की लोकेशन बताइए। तो जैसे प्लेन मिरर में हम लोकेशन लिखते थे डिस्टेंसेस के टर्म्स में हम लोगों ने निकाला था, वैसे जब इंक्लाइंड, जब प्लेन मिरर्स पैरेलल थे तो हम लोगों ने डिस्टेंसेस के टर्म्स में लोकेशन निकाला था, वैसे जब यहाँ इंक्लाइंड मिरर्स होंगे तो हम एंगल के टर्म्स में इमेज की लोकेशन बताएंगे। यानी हमें इमेजेस की पोजीशंस बतानी है M1 और M2 से बनने वाली, और उनकी पोजीशंस को हम लोग एंगल के टर्म्स में बताएंगे। तो अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि जैसे ऑब्जेक्ट O M1 मिरर से 20 डिग्री के एंगल पे रखा है, तो जो ऑब्जेक्ट O की इमेज M1 मिरर में बनेगी वो मान लीजिए यहाँ कहीं बनती है। ये इसको हम लोग कुछ और कलर से दिखाते हैं, मान लीजिए ये कलर ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओ की जो इमेज बनेगी M1 मिरर में वो यहाँ कहीं बनती है, ये इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, I1। तो ये इस तरह से यहाँ बनेगी और इसको यहाँ से मिला दें तो चूंकि ऑब्जेक्ट ओ जो है M1 के साथ 20 डिग्री के एंगल पे है तो ये इमेज भी इधर 20 डिग्री के ही एंगल पे बनेगी इस तरह से। फिर अब आगे बढ़े तो ऑब्जेक्ट ओ जो है ये M2 से 30 डिग्री के एंगल पर है तो इसकी इमेज इधर 30 डिग्री के एंगल पे इस तरह से बनेगी। तो यहां से 30 डिग्री का एंगल आएगा और यहां इसकी इमेज बन जाएगी I2। फिर जैसे प्लेन मिरर में बताया था वही कॉन्सेप्ट यहां रिपीट होता चला जाएगा। जो O की इमेज M1 में, जो O की इमेज है I1, तो ये I1 यानी M1 मिरर के लिए जो इमेज है I1 वो M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो अब जैसे I1 को M2 का ऑब्जेक्ट माने तो अब M2 से इसका क्या एंगल है देखिए, तो M2 से एंगल होगा ये, आप यहां से देख सकते हैं, आपको हम हाईलाइट करके दिखाते हैं। M2 से I1 का ये पूरा एंगल है, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर लेते हैं ये। तो M2 से I1 का ये पूरा एंगल है देखिए, ये वाला और ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 30, यानी M2 से I1 का एंगल है 70 डिग्री। तो अब I1 की इमेज जब M2 बनाएगा तो वो भी 70 डिग्री पर ही बनेगी। तो M1 I1 की इमेज जब M2 में बनेगी तो वो 70 डिग्री पे बनेगी। तो मान लीजिए इस तरह से कहीं बन गई और ये पूरा एंगल जो M2 से बनेगा ये वाला, ये पूरा एंगल होगा 70 डिग्री। तो इसी तरह से हम लोग इमेजेस आगे प्रोसीड करते जाएंगे और ये इमेज हो जाएगी I2 डैश। फिर उसी तरह से जो I2 थी ये मिरर M2 के लिए इमेज थी और मिरर M1 के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो फिर I2 की इमेज M1 बनाएगा और वो दूसरी तरफ M1 के बनती चली जाएगी। फिर M1 की जो इमेज होगी वो फिर M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, M2 की जो इमेज होगी वो फिर M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लेन मिरर्स के लिए देखा था बच्चों, ठीक वैसे ही बेटा ये इस केस में होगा M1 और M2 मिरर्स के लिए, बिल्कुल ये वैसे ही होगा जैसे प्लेन मिरर्स में देखा था। बस उसमें डिस्टेंसेस को लेकर चलते थे, इसमें एंगल्स को लेकर चलेंगे। और एक और बात, इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस, जैसे प्लेन मिरर्स में तो हम लोगों ने देखा था इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, लेकिन इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो इनफाइनाइट नहीं होंगी, वो फाइनाइट होंगी। यानी जब इंक्लाइंड मिरर्स इस तरह से रखे होंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइनाइट होंगी, 4, 5, 10, 15, 20, 8, 3 कितनी भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है मिरर्स के बीच के एंगल पर और उसके बीच में ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर। एक और बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो ये इमेजेस बनेंगी, जैसे O की इमेज I1 बनी, फिर I2 बनी, फिर I2 डैश, फिर इस तरह बनती चली जाएंगी। तो ये अगर आप इमेजेस बना के देखोगे तो ये सारी की सारी इमेजेस जो है एक सर्किल पे लाई करती है।
इसको हम लिख देते हैं, ऑल द इमेजेस लाई ऑन ए सर्किल। सर्किल पे लाई करेंगी सारी की सारी इमेजेस, और उस सर्किल का जो सेंटर होगा वो ये मिरर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा O। तो हम कहेंगे ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड बाई टू प्लेन मिरर्स, फॉर्म्ड बाई द टू प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स लाई ऑन ए सर्किल। एक सर्किल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर ओ पर हो, हुज सेंटर इज एट ओ। और ओ क्या है, ओ क्या है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर। जितने भी इमेजेस बनेंगे वो ऑटोमेटिकली इसी सर्किल पे लाई करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इस तरह से इमेजेस बनती चली जाएंगी। इसका आपको डायग्राम भी नीचे देखिए दिखाया गया है कि कैसे बनी इमेजेस। ये देखिए, जैसे यहां पर ये वाला एंगल आपको अल्फा गिवन है, मैं कलर बदल लेता हूं, जैसे ये वाला एंगल आपको बीटा गिवन है, ये वाला एंगल आपको अल्फा गिवन है। तो अल्फा एंगल के लिए पहली इमेज ये देखिए अल्फा एंगल पे बनी, ये अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर दूसरी इमेज जो बनी वो अल्फा प्लस टू बीटा एंगल पे बनी, इधर जो पहली इमेज है वो बीटा एंगल पे बनी, ये दिख रहा है आपको। और फिर दूसरी इमेज टू अल्फा प्लस बीटा पे बनी, एंड सो ऑन, और सारी इमेजेस एक सर्किल पे लाई कर। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें भी वही ट्रिक लगती है, देखिए जैसे इसमें भी वही ट्रिक लगेगी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ किया। कैसे ट्रिक आएगी देखिए, इमेजेस कैसे बनाएंगे। तो जैसे हमने इधर लिख लिया मिरर एम वन, इधर लिख लिया मिरर एम टू। अब इस डायग्राम के हिसाब से देखिए, एम वन मिरर से जो ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है वो अल्फा है, तो जब ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल पर है तो इमेज भी अल्फा एंगल पे बनेगी। कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें बीटा एंगल पे ऑब्जेक्ट है एम टू मिरर के साथ, तो इमेज भी बीटा एंगल पे बनेगी पहले। अब इसमें दोनों, जैसे प्लेन मिरर्स जब पैरेलल रखे थे तो हम उसमें दोनों मिरर्स के बीच के डिस्टेंस को ऐड करते जाते थे, इसमें एंगल को ऐड करते जाएंगे। तो अब अल्फा में आप क्या ऐड कर दीजिए, दोनों मिरर्स के बीच का टोटल एंगल, और टोटल एंगल आप देख रहे हैं कितना है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, ऐड करते जाइए। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा ऐड कर देंगे तो ये टू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा एम वन से। फिर एम टू में अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस टू बीटा। फिर इसमें अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो जो अगली इमेज बनेगी वो टू अल्फा प्लस थ्री बीटा पे बन जाएगी। फिर इसमें अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो जो अगली इमेज बनेगी वो थ्री अल्फा प्लस टू बीटा पे बन जाएगी, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आगे आप कंटिन्यू करते रहेंगे। बस इसमें एक बात का अंतर आएगा कि प्लेन मिरर्स में तो हम इनफाइनाइट तक जा सकते थे ऐसे, जो कि उसमें इनफाइनाइट, प्लेन मिरर्स का मतलब जब पैरेलल मिरर्स थे तो उसमें तो हम इनफाइनाइट तक जा सकते थे, इनफाइनाइट इमेजेस बनती थी। इसमें नंबर ऑफ इमेजेस फाइनाइट होंगी। तो ये ध्यान रखिए कि यहां जो एंगल्स आपको मिलते जाएंगे इधर या इधर, इन एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट नॉट बी, एंगल मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। जहां एंगल 180 डिग्री से बड़ा हुआ वहां पर आप रुक जाएंगे, यानी उसके आगे की इमेजेस पॉसिबल नहीं होंगी। मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो जैसे एंगल 180 डिग्री या इससे बड़ा पहुंचा आप वहां रुक जाएंगे और वो इमेजेस पॉसिबल नहीं होंगी। तो बस आपको 180 से छोटे एंगल तक जाना रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए इसमें इमेजेस फाइनाइट बनेंगी। तो बस यही अंतर है प्लेन मिरर से, बाकी सब कुछ वैसे है। अब इन बातों को हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अब जैसे ये पहला एग्जाम्पल इस केस में आपको कह रहे हैं 20 डिग्री एंगल दिया है मिरर M1 से और मिरर M2 से 30 डिग्री का एंगल दिया और कह रहे हैं इमेजेस बनाइए। तो अब इमेजेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। अब इस एग्जांपल के लिए देखिए हम दोबारा इमेजेस बनाने के लिए क्या करते हैं, ये हमने क्या किया, यहाँ लिख लिया M1 और यहाँ लिख लिया M2। M1 से एंगल 20 डिग्री दिया ऑब्जेक्ट का, तो इमेज भी कितने एंगल पे बनेगी, पहली 20 डिग्री पे। इस M2 से इमेज कितने एंगल पे बनेगी, 30 डिग्री पे, पहली इमेज, ये फर्स्ट इमेज की बात होगी। अब दोनों इमेजेस के बीच का टोटल एंगल कितना है, ये वाला आपको दिख रहा है 50 डिग्री। तो बस अब 50 ऐड करते जाइए। तो अब इसमें 50 ऐड करेंगे तो अगली इमेज कब बनेगी, कितने डिग्री पर, 70 पे। इसमें 50 ऐड करेंगे तो अगली इमेज कितने पे बनेगी, 80 डिग्री पे। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे अगली इमेज कितने पे बनेगी, 130 डिग्री पर। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे अगली इमेज कितने पे बनेगी, 170 में, सॉरी 70 में 50 ऐड करेंगे 120।
फिर इसमें 50 ऐड करेंगे, अगली इमेज कितने डिग्री पे बनेगी, 170। कैसे आ जाएगी? इसमें 50 ऐड करेंगे तो अगली इमेज 180 पे आ जाएगी, और वो आपको नहीं लेना, ठीक है ना, वो आपको कंसीडर नहीं करना। 180 या उससे बड़ा एंगल आ जाएगा तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो यानी ये वाला एंगल हमें, ये वाली इमेज पॉसिबल नहीं होगी। तो M1 में 3 इमेजेस आएंगी, M2 में 4 इमेजेस आएंगी। तो अब जो टोटल इमेजेस बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी, तो M1 से 3 बनी, नाम रख लेते हैं इनका। M1 से अलग कलर ले लेते हैं, M1 से ये I1 हो गई, I1, फिर ये I1 डैश और ये I1 डबल डैश। M2 से ये I2 हो गई, ये I2 डैश, ये I2 डबल डैश और ये I2 ट्रिपल डैश। तो टोटल 4 इमेजेस इधर M2 से बनेंगी और 3 M1 से, टोटल मिलाकर 7 इमेजेस हो जाएंगी। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो 7 हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी से। अच्छा, कहाँ कहाँ इमेजेस बनेंगे उनकी लोकेशन भी पता है, एंगल पता है, तो दोनों फायदे हैं। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस भी सॉल्व हो जाएंगी, उनकी लोकेशन भी सॉल्व हो जाएगी। इसमें जैसे ये M1 लिया और ये M2, कोई भी M1 M2 मान लेते हैं, ये M1 है और ये M2। अब M1 से एंगल 40 डिग्री है तो पहली इमेज भी 40 डिग्री पे बनेगी, 40 डिग्री पर। M2 से एंगल 20 डिग्री है तो पहली इमेज भी 20 डिग्री पे बनेगी। अब दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 60 है तो 60 ऐड करते जाइए। इसमें 60 ऐड किया तो ये आ जाएगा 100 डिग्री, इसमें 60 ऐड किया तो ये आ जाएगा 80 डिग्री, फिर इसमें 60 ऐड किया, इसमें ऐड किया तो ये आ जाएगा 140 डिग्री, फिर इसमें 60 ऐड किया तो ये आ जाएगा 160 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह से। फिर इसमें 60 ऐड किया तो ये आ जाएगा 220 डिग्री, 220 डिग्री, और इसमें 60 ऐड किया तो ये आ जाएगा 200 डिग्री। अच्छा, 180 या उससे बड़ा एंगल लेना नहीं, तो ये वाला एंगल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे। तो अब कितनी इमेजेस दिख रही बनती हुई, 6। लेकिन इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो लास्ट इमेजेस बने, इसमें जरूर चेक कर लीजिए, लास्ट इमेजेस जो बने इनके एंगल को जोड़ लीजिए। यानी पहले मिरर की इमेज का एंगल, एंगल I1, ये L जो लिखा है एंगल है, प्लस दूसरे मिरर के इमेज का एंगल, एंगल I2, लास्ट इमेज का एंगल, और प्लस मिरर्स के बीच का एंगल, तो जैसे प्लस थीटा जो मिरर्स के बीच का टोटल एंगल है, अगर ये ऐड करके 360 आ जाता है, 360, देन लास्ट इमेजेस कौन साइड, तब जो लास्ट इमेजेस होंगी दोनों मिरर की वो आपस में कौन साइड कर जाएंगी, यानी ओवरलैप कर जाएंगी, ओवरलैप या कौन साइड, तो लास्ट इमेजेस कौन साइड कर जाएंगी ये ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग लास्ट इमेजेस कौन साइड, तो अब इसमें देखिए हम लोग इसको करके देख लेते हैं। लास्ट वाला 160 जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें 160 पहले मिरर का लास्ट इमेज हुआ, पर 200 और 220 तो लेना नहीं, 180 से बड़े हो, 140 दूसरे मिरर का लास्ट हुआ इमेज हुआ और जोड़ा दोनों को, और दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 60 है, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये डायरेक्टली 360 आ जाता है। और अगर ऐसा आ गया इसका मतलब लास्ट इमेजेस कौन साइड कर जाएंगे, तो इसमें जो ये वाली इमेज है और जो ये वाली इमेज है ये आपस में कौन साइड कर जाएंगे, यानी ओवरलैप कर जाएंगे। तो अब टोटल इमेजेस कितनी दिख रही है देखिए, काउंट करके बताते हैं आपको। इसकी एक इमेज पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और इसकी ये पहली और ये दूसरी और ये तीसरी, तीन तीन छह इमेजेस टोटल दिख रही बनते हुए, लेकिन दोनों की तीसरी इमेज आपस में क्या हो जाएगी, कौन साइड, तो थर्ड इमेज, इमेजेस कौन साइड, दोनों मिरर्स की जो तीसरी तीसरी इमेज है वो कौन साइड कर जाएगी, और कौन साइड करने की वजह से सो द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, कहने को तो तीन तीन बन रहे लेकिन तीसरी इमेज तो कॉमन हो गई ना आपस में, कौन साइड करने का मतलब ओवरलैप कर गई, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो जो होंगी वो हो जाएंगी 3 + 3 - 1, चूंकि एक ओवरलैप कर गई, तो कितनी इमेजेस हो जाएंगी टोटल, 5। तो 5 इमेजेस टोटल बनेंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट इमेज में ये चीज चेक कर लीजिए कि अगर आखिरी के दोनों इमेजेस का एंगल जोड़ दीजिए, मिरर के बीच का एंगल जोड़ दीजिए, और अगर वो 360 आ जाता है तो मतलब लास्ट इमेज दोनों मिरर की आपस में ओवरलैप कर जाएगी, और अगर ओवरलैपिंग हो गई तो फिर उसको दो इमेजेस थोड़ी ना मानेंगे, तब तो एक ही बन जाएंगे। तो इसलिए ये इस तरह से कॉन्सेप्ट आए, तो इसको ध्यान रखना है। ये नीचे हमने लिख भी दिया हाईलाइट करके कि इफ
टू इफ एंगल ऑफ, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं द ऑर्डर ऑफ इमेजेस विच कोइंसाइड, कह रहे हैं कौन सी इमेजेस कोइंसाइड करेंगे उसका ऑर्डर बताइए, मतलब किस नंबर की इमेज पहले मिरर की, किस नंबर की इमेज दूसरे मिरर की, किस नंबर की इमेज के साथ कोइंसाइड करेगी वो हमें बताना है। तो इसको वैसे ही प्रोसीड करते हैं। देखिए इसका कुछ नाम रख लेते हैं मिरर का, जैसे ये मिरर M1 हो गया और ये मिरर M2 हो गया। अब इमेजेस बनाते हैं हम लोग, तो ये इधर M1 लिखते हैं और इधर M2, और इमेजेस बनाते हैं। तो ये पहला मिरर, ये दूसरा मिरर, इमेजेस बनाते हैं। तो इमेजेस बनाएंगे हम लोग, तो जैसे इमेजेस लिखेंगे, तो M1 में मिरर ऑब्जेक्ट 20 डिग्री के एंगल पे रखा है, देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है और M1 से कितना एंगल बनाता है 20, तो पहली इमेज 20 पे बनेगी, इसमें पहली इमेज 10 पे बनेगी। फिर दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो इसमें 30 जोड़ा तो ये 50 आया, इसमें 30 जोड़ा तो ये 40 आया, फिर इसमें 30 जोड़ा, 30 जोड़ते जाइए दोनों मिरर्स के बीच का एंगल, तो ये 70 आया, फिर इसमें 30 जोड़ा तो ये 80 आया, फिर इसमें 30 जोड़ा तो ये 110 आया, फिर इसमें 30 जोड़ा तो ये 100 आया, फिर इसमें 30 जोड़ा तो ये 130 आया, फिर इसमें 30 जोड़ा तो ये 140 आया, फिर इसमें 30 जोड़ा तो ये 170 आया, और फिर इसमें 30 जोड़ा तो ये 160 आया। अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब अगर 30 जोड़ेंगे तो 160 में 30 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा, वो 180 से बड़ा हो जाएगा तो वो इमेज पॉसिबल नहीं होगी, और 170 में 30 जोड़ेंगे तो वो 200 हो जाएगा, वो भी 180 से बड़ा हो जाएगा तो वो इमेज पॉसिबल नहीं होगी। तो टोटल कितनी इमेजेस बन रही, देखिए नेमिंग कर देते हैं इसकी। तो ये 1 इसकी पहली इमेज, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, इसकी भी 1 2 3 4 5 6, सॉरी इसमें गलत नंबर लिख दिया हमने, तो इसमें फिर से नाम लिखते हैं। तो इसकी जो इमेजेस बनी वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो छह छह इमेजेस दोनों से बन रही, तो टोटल इमेजेस तो कितनी होनी चाहिए 12, लेकिन हमने कहा था एक बार चेक कर लीजिए। तो लास्ट इमेजेस देखिए, इसमें 160 डिग्री पे बनी लास्ट इमेज और इसमें 170 डिग्री पे बनी, 160 प्लस 170 ये दोनों इमेजेस का एंगल होगी, और प्लस दोनों मिरर्स के बीच का एंगल ये 30, जोड़ेंगे तो ये 360 आ जाएगा, और अगर ये 360 आ जाता है इसका मतलब लास्ट इमेजेस कोइंसाइड कर जाएंगे, तो बनी है टोटल 12, लेकिन आखिरी इमेज कोइंसाइड करने की वजह से टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो रह जाएंगी वो 11 होंगी, क्योंकि एक कोइंसाइड कर गई ओवरलैप कर गई तो 11 हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्डर ऑफ इमेज बताइए जो कोइंसाइड करती है, ऑर्डर का मतलब दोनों मिरर की कौन कौन सी इमेज कोइंसाइड करती है, तो आप देख रहे हैं पहले मिरर की छठी इमेज दूसरे मिरर की छठी इमेज से कोइंसाइड कर रही है, तो छठी इमेज में कॉन्सिडेंस हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो सिक्स्थ आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला अगला क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं एंगल ऑफ थर्ड इमेज फॉर्म्ड बाय M2 विद M2, थर्ड इमेज का एंगल क्या होगा, तो बना लोगे आप लोग एंगल, इसको अपने आप कर लीजिए, चलिए बता ही देते हैं। ये M1 हो गया, ये M2, M1 में पहला एंगल 40 डिग्री है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का एंगल भी 40 होगा, इसमें क्या होगा 30, फिर अगला एंगल इसमें दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 70 है, 70 ऐड करते जाइए, तो अगला इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 110, इसमें 70 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, फिर इसमें 70 ऐड करेंगे तो 170 आएगा, और इसमें 70 ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, और वो हमें नहीं लेना। तो अब कितनी इमेजेस टोटल बनेंगे देख रहे हैं आप, 2 और 3 5, 5 इमेजेस बनेंगी, और इस बार आप जोड़ के देखेंगे तो कोइंसाइड नहीं करेंगे, है ना। लास्ट इमेज इसकी 170 पे है, इसकी 100 पे है, ये 270 आएगा, और 270 में 70 जोड़ेंगे तो 340 आएगा, तो कोइंसिडेंस नहीं हो, ठीक है ना। तो अब टोटल इमेजेस कितनी बन जाएंगी 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस 5। कह रहे हैं एंगल ऑफ थर्ड इमेज फॉर्म्ड बाय M2 विद M2, तो कह रहे हैं थर्ड इमेज जो M2 में बनेगी उसका एंगल कितना होगा, तो M2 में थर्ड इमेज का एंगल कितना आ रहा है 170 डिग्री, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनेंगी और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चन को करने के लिए जो फार्मूला मेथड है जो आप इंटर से पढ़ते आ रहे हो उसको भी एक बार बता दें। तो फार्मूला मेथड में ये कहते हैं कि जब कभी दो मिरर्स के बीच का एंगल निकालना हो आपको, सॉरी इमेजेस बनानी हो, दो मिरर से कितने इमेजेस बनेंगे, तो आपने ये मिरर्स बना लिए, इस तरह से मिरर्स बना लिए आपने, और इनके बीच का एंगल वगैरह जो है वो दिखा देंगे। फिर आपने ये पढ़ा है कि आप हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड 360 बाई थीटा, फाइंड 360 बाई थीटा, ये फाइंड कर लीजिए। अब ये फाइंड करने के बाद तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, कि अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन आ गई, इवन, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो दोनों मिरर से मिलाकर बनेगी, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बाय बोथ द मिरर्स, या तो बनेंगे दोनों मिरर से, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी 360 बाई थीटा माइनस वन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए अभी एग्जाम्पल इकट्ठा करेंगे। अगर मान लीजिए 360 बाई थीटा आपने सॉल्व किया और ये ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर ये आ गया, तो उस केस में कहते हैं दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली क्या है, देखिए ये दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट सिमिट्रिकली रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमिट्रिकली, सिमिट्रिकली रखा है, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो 360 बाई थीटा माइनस वन हो जाएंगे। और दूसरा पार्ट क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमिट्रिकली बिटवीन द मिरर्स, अनसिमिट्रिकली बिटवीन द मिरर्स, अनसिमिट्रिकली बिटवीन द मिरर्स, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस वो हो जाएंगे 360 बाई थीटा। तो इस तरह से ये हम लोग कर सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर 360 बाई थीटा ना ऑड आए ना इवन आए, आई प्लस एफ आ जाए। I प्लस एफ को I इमेज ना समझ लीजिएगा, I का मतलब इंटीजर है, I का मतलब इंटीजर है और F का मतलब फ्रैक्शन, मतलब इस टाइप का नंबर आ जाए, जैसे 2.3 आ गया तो I 2 हो गया और F 0.3 हो जाए, 7.8 आ गया तो इंटीजर पार्ट कितना है इसमें 7 और फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा 0.8, 9.2 आ गया तो इंटीजर पार्ट 9 हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट 0.2 हो जाएगा। तो अगर ऐसा आ जाए तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं, नंबर ऑफ इमेजेस वो सीधे आई के बराबर हो जाएंगे, राउंड ऑफ नहीं करना है इसको, ठीक है ना, आई के बराबर हो जाएंगे, मतलब चाहे वो 7.9 आए तब भी आई कितना होगा, इंटीजर पार्ट इसका 7, तो नंबर ऑफ इमेजेस 7 बनेंगे। वो 7.1 आए तब भी इंटीजर पार्ट 7 है तो नंबर ऑफ इमेजेस 7 ही बनेंगे। इसमें कोई राउंड ऑफ नहीं करना है कि 7.9 को 8 मान लेंगे, 7 पॉइंट समथिंग है, चाहे वो 7.99 हो वो 7 ही माना जाए, नंबर ऑफ इमेजेस 7 ही बनेंगे, और 7.01 हो तब भी वो 7 ही रहे, तो इस तरह से बन जाएगा। अब अच्छा, इसमें सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली नहीं बताया था, वो बता दें फिर और बाकी बातें क्लियर करते हैं। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जैसे ये दो मिरर ऐसे रखे हुए, ये मिरर ऐसे रखे हैं, और इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब इधर से भी एंगल थीटा बाई टू और इधर से भी एंगल थीटा बाई टू, तो ये जो लाइन है जो बाइसेक्टर है दोनों एंगल्स के, मतलब मिरर के दोनों मिरर्स के बीच के एंगल का जो ये बाइसेक्टर है जो इसको दो बराबर भागों में बांटता है,
अगर इस लाइन पर ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा, यहां पर कहीं भी रखा होगा इस लाइन पर, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड। और इस लाइन के अलावा कहीं रखा होगा, इधर 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 कहीं भी, तो हम कहेंगे वो अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो सिमेट्रिकली जो प्लेस लिखा है इधर, इसका मतलब होगा बाइसेक्टर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, और अनसिमेट्रिकली का मतलब हुआ कि बाइसेक्टर के अलावा और कहीं भी रख दें तो वो अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड माना जाए। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा, फार्मूला, अब आप अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आपके आता कि सर जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा उसको पढ़ने की क्या जरूरत थी, फॉर्मूले से सीधे आंसर आ जाएगा, ऐसे ही करते आए हम लोग इंटर से, तो अब आपको ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि इस फॉर्मूले से हम केवल इमेजेस की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कितनी इमेजेस बनेंगी, अब कौन सी इमेज ओवरलैप करेगी, चौथी इमेज का एंगल क्या होगा, चौथी और सातवीं इमेज के बीच में एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, कोई कुछ भी निकाला जा सकता है जब हमें हर इमेज की लोकेशन पता हो। आपसे क्वेश्चन पूछ लें, जैसे हम लोगों ने कोई की दो मिरर्स के बीच का एंगल पता है, ऑब्जेक्ट बीच में रखा है, अब कह रहे हैं पहले मिरर से जो तीसरी इमेज बनेगी, दूसरे मिरर से जो चौथी इमेज बनेगी, उनके बीच का एंगल बताइए, एंगुलर सेपरेशन बताइए, तो इस मेथड से तो ये सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ये मेथड हम लोग तभी लगा सकते हैं जब आपको डायरेक्ट सिर्फ नंबर ऑफ इमेजेस पूछा जाए। तो ये देखिए जो नीट में क्वेश्चन आया था, ये आपके सामने दिया हुआ है, और इसमें जैसे दो मिरर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया था, जैसा कि दिख रहा है डायग्राम में, और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इमेजेस बताइए क्या होगा। तो अगर हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करें, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यहाँ पर 360 बाई थीटा, थीटा 60 डिग्री है, तो 360 बाई 60 किया तो ये 6 आ गया। अब चूंकि 6 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में बताया गया है कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालने में हम इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो 360 बाई 60 माइनस 1, ये नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे, तो 5 आंसर आ जाएगा। ये नीट में आया था, ये नहीं याद है मुझे। अगला एग्जाम्पल इसी तरह का है कि दो मिरर्स के बीच का एंगल 72 डिग्री दिया हुआ है, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिर वही 360 बाई थीटा फाइंड करेंगे, 360 बाई थीटा की वैल्यू निकाली तो थीटा 72 है यहाँ रखा, तो ये 5 आ गया, और 5 एक ऑड नंबर है। जब 360 बाई थीटा ऑड होता है, तो आपको बताया गया था कि अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं 360 बाई थीटा माइनस 1, और अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा होती हैं। और अगर ना दिया हो कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, तो उसको अनसिमेट्रिकली मानते हुए प्रोसीड करेंगे, तो अब नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे सीधे 360 बाई थीटा, थीटा 72 है तो 360 बाई 72 करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 आ जाएंगे। तो हम इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ एंगल आपको दो मिरर्स के बीच का 50 डिग्री दिया और पूछ रहा है नंबर ऑफ इमेजेस बताइए, तो 360 बाई थीटा करेंगे, थीटा आपको 50 डिग्री है रखेंगे, तो ये 7.2 आ जाएगा, यानी ना ये ऑड आया ना इवन आया, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन इस तरह से आ गया, आई प्लस एफ फॉर्म में, तो हमने कहा था इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा 0.2 और इंटीग्रल पार्ट होगा 7, और जो इंटीग्रल पार्ट होता है वही नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो आई के बराबर होंगी, और आई कितना आ रहा है 7, तो नंबर ऑफ इमेजेस 7 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस मिरर्स के केस में, इंक्लाइंड मिरर्स हों या पैरेलल मिरर्स हों, प्लेन मिरर्स के केस में हम लोग अब नंबर ऑफ इमेजेस बनाने पे हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन द मिरर एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसकी इमेज कितनी स्पीड से मूव करेगी, मिरर भी मूव करे तो इमेज की स्पीड क्या होगी, ऑब्जर्वर को अपनी स्पीड क्या दिखाई पड़ेगी, इस तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।